निकलते भी नहीं होंगे यहाँ से। अभी आपको बदबू नहीं आती आप लोगों को? तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ये लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं, अक्सर चर्चे में रहते हैं अपने कामों को लेकर के और अपने बोल को लेकर के। कई बार इनके बोल पार्टी पर भारी पड़ जाते हैं, लेकिन ये मानते नहीं हैं। अभी ये पहुँचे हुए हैं मीट शॉप पे और देखिए क्या कर रहे हैं वहाँ पे और क्यों हो रहा है ये वीडियो वायरल, इसका भी जवाब वीडियो में ही। बंद करो, नहीं भागो, नरक मना रखा है। पुलिस वालों कितने पैसे दे, उठाओ यहां से। मैं दो मिनट मारा होगा, दिखाई दिया यहाँ लोग निकलते भी नहीं होंगे यहाँ से। अभी आपको बदबू नहीं आती आप लोगों को? मैं तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। आप ये बंद करो और लेके जाओ। बंद करके भाग जाओ, जेल चले जाओ, जमानत नहीं होगी किसी कीमत पर। हाँ, ये सब इलीगल काम, एक भी दुकान भूल गए नदी के कम से। अभी उठाओ यहाँ से और दिल्ली में बेचो जाके। तो जैसा कि आपने देखा, विधायक जी कह रहे हैं कि यहाँ पे मुर्गा नहीं बिकेगा, बेचना है तो दिल्ली में जा कर के बेचो। यहाँ से आते जाते लोगों को बदबू आती है। इन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी, चिट्ठी पे कार्रवाई नहीं हुई तो ये खुद पहुँच गए दुकान बंद कराने। दो सवाल उभरते हैं, क्या एक विधायक को ये राइट है कि यदि कोई मीट शॉप अवैधानिक रूप से चल रही हो तो उसे बंद करा सकता है, या अथॉरिटी ही बंद कराएगी, और लाइसेंस की क्या प्रक्रिया है, मीट बेचने की क्या प्रक्रिया है। आपको बता दें कि विधायक को कहीं से ये राइट नहीं है, वो डीएम और एसएसपी को ही शिकायत करेंगे। उत्तर प्रदेश में मीट बेचने के लिए लाइसेंस लेना होता है और उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि धार्मिक स्थल से 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए, बगल में सब्जी की दुकान नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, वगैरह वगैरह। हालांकि इस वीडियो में ये क्लियर नहीं है कि ये अवैध मुर्गे की दुकान है, मीट शॉप है, या वैध है, लेकिन उनके बातों से कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कि वो अवैध रूप से यहाँ पे बेच रहे हों। फिर भी विधायक जी कानून लागू कराने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे कैसे ले सकते हैं, देखते हैं कि इस पे अब क्या रिएक्शन होता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।